तो आज हम बताते हैं आपको बजाज फाइनेंस में पैसा कैसे बटा देते हैं। सबसे पहले जो है ये बजाज का ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे कि आप जो है प्ले स्टोर में बजाज एप्लीकेशन अगर सर्च मारते हैं तो बजाज एप्लीकेशन, कई बजाज एप्लीकेशन आ जाते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस ऐप, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। लेकिन सेलेक्टेड ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बजाज फाइनेंस लोन UPI ऐप। ये वाला डाउनलोड करने के बाद ये आपका जो है नंबर डाल के जो है लॉगिन करेंगे। नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद आपका जो है लोन पटाना है। तो लोन पटाना है तो सबसे पहले आपका जो है ये चेक कर लेंगे कि आपका कितने अमाउंट का वो लोन हुआ है। ये 15,499 रुपये का लोन है जो कि यहाँ से पे होगा। ये पे करने के बाद अगर हमको एडवांस में EMI पे करना है तो ये जो है यहाँ से एडवांस EMI कर सकते हैं। अगर पार्ट पेमेंट करना है, अगर आधा पेमेंट करना है कि 2 महीना 3 महीने का पटाना है, तो यहाँ से पार्ट पेमेंट किया जाता है। और यहाँ से अगर फोर क्लोज मतलब पूरा पेमेंट करना है तो यहाँ से फोर क्लोज होता है। अगर आप जो है बाउंस करवा दिए हो या जो है आपका EMI लेट हो गया है तो यहाँ से आपका मिस EMI या फिर ओवरड्यू जो हुआ रहता है ना वो वाला पेमेंट होता है। और ये जो है सेटलमेंट पेमेंट, मतलब ये आपका जो है मान लो ओवरड्यू ज़्यादा हो गया है तो उसको सेटल करके जो है कम कम में ये सेटल करके पेमेंट होता है वो। ये सबसे पहले हम जो है एडवांस EMI का देख लेते हैं। तो एडवांस EMI हमको अभी पटाना है तो यहाँ से प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस हुआ और हमको जो है अभी मई चल रहा है, ये आपका मई चल रहा है और जून का हमको पैसा पटाना है, जून 2024 का। तो ये आपका जो है EMI अमाउंट है तो इसको जो है हम यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट करने के बाद जो है आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से, तो इसमें ऑप्शन आ जाता है हम जो है UPI से पेमेंट करेंगे। ये हमारा जो है फ़ोन पे में पैसा है तो यहाँ से फ़ोन पे जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। फ़ोन पे का UPI ID यहाँ पर जो है एंटर, यहाँ पे जो है अगर UPI से पेमेंट करना है तो UPI जो है डाल के एंटर कर सकते हैं। नहीं, फ़ोन पे जो है आपका लॉगिन होगा, यहाँ जो है पे करेंगे तो आपका जो है फ़ोन पे लॉगिन हो जाएगा। और फ़ोन पे में ये आपका लॉगिन हुआ उसके बाद यहाँ से जो है आपका पे का ऑप्शन आएगा। जैसे जो है ये आपका अगर लॉक रहेगा तो लॉक ओपन किए उसके बाद जो है ये UPI में लॉगिन होने के बाद यहाँ से पे का ऑप्शन आएगा। इसको जैसे ही आप पे करेंगे तो पे करने के बाद जो है ये आपका UPI पिन गलत डाले भाई, पिन गलत है। तो जैसे पिन आप गलत डाल रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है। अगर पिन आप सक्सेसफुली डाल देंगे तो इसमें जो है आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। थैंक यू।